यूपी के जिला अमरोहा में भारत माता की जय के नारे लगाने को लेकर बसपा सांसद दानिश अली और भाजपा एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो के बीच मंच पर हुए मामले पर अब भाजपा के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़गवंशी ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि ऐसे सांसद की सदस्यता और नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए और उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसी हरकत ना कर सके। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, भाजपा की सरकार विकास करा रही है। दरअसल सांसद दानिश अली रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसका कार्यक्रम का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दानिश अली ने मंच पर कहा था कि यह सरकारी प्रोग्राम है, इसमें पार्टी के नारे नहीं लगने चाहिए, और इसी दौरान सांसद दानिश अली और भाजपाइयों में नोकझोंक हुई थी। हमारे जनपद के जो दानिश अली हैं सांसद जी, क्या जनता ने 5 साल इन्हें हो गए सांसद बनाए हुए, आज तक उन्होंने कोई विकास तो करा नहीं, कभी किस तरह का नहीं कहीं गए, और अब जो इन्होंने विवादित हमारे भारत माता को जो गर्व से हमें सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए, उन्हें शर्म आती है। तो ऐसे सांसद की सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं कर सके। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजनाएं दी हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, लगभग आज हिंदुस्तान में 16 एम्स नए तैयार हो गए हैं। तो जो विपक्ष है उससे उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, नई नई योजनाएं, जैसे हमारे अपने गंगा एक्सप्रेस वे और बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हमारे माननीय मोदी जी ने 9 साल में बड़े बड़े हाईवे, जैसे दिल्ली से बम्बई हाईवे बन रहा है, बहुत बड़े बड़े परियोजनाएं हमारे मोदी जी लाए हैं, तो विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा। तो ऐसे जो हमारे जनपद के सांसद जी हैं, तो उनकी सदस्यता करके उनकी नागरिकता खत्म करने के बाद ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में कोई इस तरह की कोई हमारी भारत माता के बारे में कोई बोल नहीं सके। धन्यवाद। जय श्री राम।